नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और आज मेनली मेडिकल में क्या सब हुआ वही साझा कर रहे हैं और कितना टाइम तक लग सकता है, क्योंकि कल बहुत सारे कैंडिडेट का संभवतः 50% का शाम तक हो चुका था। जो ECG का रिपोर्ट या सब कुछ होता है, फिर 3 डॉक्टर का पैनल बनता है, उन लोगों के द्वारा चेक कर लिया जाता है, फिर अंगूठा अंगूठा दिलवा के साइन करवाया जाता है और फिर कंप्लीट हो जाता है। तो वो कुछ कैंडिडेट का हो गया था, लेकिन जिनका चश्मा था और या फिर जिनका ECG में कुछ प्रॉब्लम था उन लोगों को रोक लिया गया था, और साथ ही जिनका हॉस्पिटल दूर था उन लोगों को भी रोक लिया गया था। तो उसी में से हम भी थे। फिर आज क्या हुआ कि आज यहाँ पे फ्राइडे था और जो पैनल होता है डॉक्टर का, वो जो रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें फ्राइडे को पैनल पे कोई नहीं बैठता, लेकिन स्टार्टिंग में 3 डॉक्टर उपस्थित थे। तो कुछ लोगों का, आई थिंक 4 से 5 कैंडिडेट का आज हो गया, और अप्रोक्स 7 से 8 कैंडिडेट का भी बचा हुआ है जिनका कहा गया है अब मंडे या ट्यूसडे को होगा, क्योंकि फ्राइडे तो आज निकल ही गया, सैटरडे संडे ईद और या वैसे भी छुट्टी होता है नहीं होता यहाँ पे, तो अब उन लोगों को लंबा टाइम लगेगा, जैसे कि मेरा भी लंबा टाइम लगेगा। मतलब मंडे को कहा गया है कि 10 बजे आने के लिए, और सारा मेरा चेकअप हो गया है, जो होता है ना अंगूठा या जो भी करना होता है वो सब कुछ हो चुका है। बस डॉक्टर वहाँ पे बैठेंगे तीनों पैनल का, और वहाँ पे कुछ कुछ चेक जैसे होता है, अगर उनके मन में आया कि चलो इसका आई टेस्ट कर लेते हैं या फिर कान टेस्ट या कुछ भी अगर टेस्ट करना होगा तो वो वहाँ पे हमसे करवा सकते हैं। एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कान के लिए, कान का जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, तो कुछ खास नहीं होता है। मेनली हुआ क्या, जो भी कैंडिडेट थे यहाँ पे, तो जो होता है ना आई टेस्ट के लिए घुमाने वाला, वो बहुत बड़ा डब्बा जैसा है और उसके बगल में कुछ स्पीकर भी रखा हुआ था, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कहीं वो स्पीकर बजाएगा और वो डेसिमल के थ्रू चेक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको एक कोने में खड़े कर दिया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, कहा जाएगा एक कान बंद करके बोलो 94 या 92 ऐसा बोला जाएगा, और आपको वही चीज़ बोलना है, फिर बोलेगा दूसरा कान बंद करो और फिर वो चीज़ बोलना है। तो ये आसान होता है क्योंकि अब थोड़ा ज़ोर से बोला जाता है तो आप सुन पाओगे। अब जिनका कान ख़राब होगा उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो क्योंकि कुछ कैंडिडेट से ऐसा बात हुआ, तो कहीं कहीं ऐसा हुआ कि कोई एक दूसरा स्टाफ जो है वो आपका कान बंद करेगा, पर कहीं कहीं ऐसा हुआ कि आपको कहा जाएगा खुद से बंद करने के लिए। तो आप चाहो तो थोड़ा कम भी बंद कर सकते हो, ठीक है, ईमानदारी दिखाना उतना अच्छा भी नहीं होता हमेशा। खैर ये तो ये हो गया। अब मंडे को क्या होगा, मंडे को मेनली हो जाएगा कि हम लोग जाएंगे तो बस वो डॉक्टर का पैनल बैठेगा और वहाँ पे वो सिग्नेचर हो जाएगा। अब इसे एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पैनल आने में लेट होगा, जैसे जनरली क्या होता है कि मान लीजिए पहला DV का रिजल्ट आया, उसके 5-6 दिन में DV मेडिकल के लिए बुला लिया गया, और जिस दिन बुलाया गया फिर ब्लॉक डेट के कुछ दिन के बाद 7 से 8 दिन के बाद जो था वो उसका पैनल आता था, फिर सेकेंड DV या थर्ड DV जो है वो आता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पहला ही पैनल या फिर जो इसका ब्लॉक डेट 24 को है तब तक वो क्लियर ही नहीं हुआ है, तो वो और घिंचाएगा जिसके कारण जो है पैनल में थोड़ा लेट लग जाएगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा गलत हुआ है, और फिर जो यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे मैं ही रह रहा हूँ तो 3 दिन से रह लिया हूँ और फिर अभी 4 दिन रहना है, तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ जाता है, और साथ ही दूसरे जगह का कितना दिन होटल में खाओगे, तबीयत भी ख़राब होता है, तो ये सब थोड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है। खैर लेट हो पर सटीक हो जाए तो ज़्यादा सही होता है। देखिए आगे क्या होता है, सजा किया ही जाएगा। और साथ ही कुछ आप लोगों को समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यथासंभव हो सके साझा किया जाएगा, सही बताया जाएगा, ताकि आपको मिसगाइड होने से बच पाएँ, ठीक है। और जिन लोगों का बच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी लग रहा है, स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ कि जो भी टैपिंग का पोस्ट है, जो लोग भी क्वालिफाई हैं टैपिंग, सब जोन का नहीं कह रहा, पर सिकंदराबाद उड़ीसा कुछ कुछ जोन ऐसा है जिस समय आप अगर टैपिंग क्वालिफाई कर गए हो तो आपका करीब 99% चांस है हो जाने का, सिकंदराबाद में भी हो जाने का चांस है। तो बस वेट कीजिए, देखिए क्या होता है। बस CGL का रिजल्ट जो है आई थिंक 4-5 दिन दे देना चाहिए, वो दे दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हुआ है उसमें बहुत सारे का CGL में भी ठीक ठाक स्कोर है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।